जो प्रसाद है तो रामलल्ला के नाम से ही जाएगा। 500 साल बाद रामलल्ला अपने घर में जाएंगे, इससे बड़ी खुशी की चीज क्या हो सकती। और इसके लिए नागपुर से ये कढ़ाई जाएगी और कढ़ाई में हम सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसे हम राम हलवा कहेंगे या सूजी हलवा कहेंगे या राम के प्रसाद का हलवा कहेंगे। और ये तकरीबन 7000 किलो बनाने का मानस है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बट वो न्यास के नाम से हम करने वाले हैं, हमारा इंडिविजुअल रिकॉर्ड इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे। रामलला का हलवा बनेगा, राम हलवा बनेगा, क्या क्या उसमें होगा और किस तरीके का भाव होगा? देखिए, भाव तो पूरे भरा है, सारे नागपुर वासियों का भरा है और मुझे खुशी है कि नागपुर से ये सारा काम होने वाला है। अब इसमें तकरीबन 900 किलो जो है सूजी का इस्तेमाल होगा, उसके बाद में 1000 किलो घी का इस्तेमाल होगा, 1000 किलो शक्कर इसमें डलेगी और 1.5 से 2 हजार लीटर दूध और 2 से 2.5 हजार लीटर पानी। उसके बाद में इलायची जो है, इलायची का मसाला जो है 75 किलो इलायची का मसाला है, 300 किलो काजू और किशमिश है और बाकी अपने भाव है। 4-5 चीजों से सब हलवा बनेगा। इससे भावना जुड़ी है और मुझे याद है वो दिन जब हम कार सेवा करने गए थे तो मैंने इस मिशन का नाम दिया कार सेवा से पाक सेवा तक। और यहां से जो आखिरी जत्था गया था उसमें हम थे और बहुत अच्छा लग रहा। उस समय का अयोध्या और आज की अयोध्या, जमीन आसमान का फर्क है। अयोध्या में मैं अभी था और रेकी करने गया था, जगह कहाँ पे बनेगा हलवा वगैरह, तो उस समय जो उत्साह उमंग शहर में देखा शहरवासियों का, और वो देख के बड़ा खुश हो गया दिल। दिन रात वहां काम चल रहा है और सारे लोग अपना कुछ हो रहा है, इसके लिए काम कर रहे हैं।